एक्सपीरियंस वो कंघा है जिहड़ा बंदे नूं उदों मिलदा जदों गंजा हो जांदा है। सब तो वधिया तरीका यह है कि किसी का एक्सपीरियंस इस्तेमाल कर लो ताकि कंघा उदों आ जाए जदों चार बाल होण। फर्ज कर लो तुसीं कार ते जांदे हो, सामने कारां आ रही ने उस साइड ते, वो सारे तुहानूं ऐ करदे जांदे ने, इहदा मतलब वी अगे राह है नहीं, अगे तूड़ी वाला ट्रक पलटिया पिया, वो मुड़ के आए ने, वो ऐ करते जाते हैं, कदे रुके आते हैं ऐ करते ना, वो चल आप देखा नेड़े जाते जाके उत्ते सारा चैक कर लेते हैं भी राह तो है नहीं, फिर आप गड्डी मोड़ते हैं, फिर आप ऐ करते जाते होंगे ने, अपनी भी नहीं मानता कोई, तजर्बा करता हरेक। सिख बाप जिहड़ा वो कबीलदार होंदा, वो उहदे मुंडे नूं कुछ नहीं कर दिंदा, वो नहीं 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 मैं हैगा शहर च मैं जाऊँगा तू लुटिया जाएगा, मैं उन्हों कोई मतलब हम नाल भी नहीं लैके जाता, आप ही करी जाता सारे कबीलदार के काम, मुंडे नूं भी सौखा रहता चल मैनू की लोड़ है, अचानक बापू जी हार्ट अटैक आ जाता, 10-15 दिन बाद मुंडा जो बाजार जाता है मार्केट उन्होंने ये नहीं पता होंगे गुड़ की बोरी कितों लैनी है, चाह पत्ती कितों लैनी, क्योंकि उन्होंने सिखाया ही नहीं गया। जे बापू उन्हों नाल ले जाता पहला सिख तो लेंदा ना कि इतों चाह पत्ती लेंदा बापू इतों आ मिल आ बस चढ़ी दी होंगी आ रिक्शा चढ़ी दी होंगी, जिवें फिर साढ़े बजुर्ग करते पहला पुराने बलदा के गड्ढे के पिछे एक छोटा जहा बच्छा भी जोड़ लेंदे सी, वो पिछे बन लेंदे सी ताकि उहदी चाल बन जाए, उन्हें भी पता लग जाए कि इत्थे अपना खेत है इत्थे तक जाना, फिर जो वड्डा हो गया तो उन्होंने जोड़ना, फिर तो तजर्बा बहुत वड्डी चीज़ है। किसे बड़ी मशहूर गल है, पहला बरातां जिहड़ियां सी ना वो रातां भी रहिंदियां होंदियां सी, ते एक बार कुड़ी वाले ने शर्त रखती भी बरात आवे पर उस कोई बजुर्ग ना हो, बस 30 साल तो 35 साल दे होण, बस बरात तुरन लगी एक बंदा कहिंदा बजुर्ग कहिंदा वो एक बुढ़े नूं लै जाओ लुको लुको के लै जाओ तजर्बा काम आऊ, उन्होंने संदूक च लुको लिया बुढ़ा एक, तो उन्होंने जाके कुड़ी वाले दिखाता देखो कोई बुढ़ा नहीं है सब सारे मुंडे मुंडे बैठे, कहे किन्ने जाने हो कहिंदे 35 आ, वो कहिंदे 35 बकरे ने, फिर 35 बकरे वड्डांगे तुहानूं खाने पैणगे, हुण सारे डर गए एक बकरा एक जना किवें खाऊगा ये तो बहुत काम खराब हो जाऊगा, फिर किसी ने कहा कहिंदा संदूक खोल के बुढ़े नूं पुछ लो, उन्हें संदूक खोल के बुढ़े नूं पुछिया कहें ऐ कहते नहीं 35 बकरे ने 35 जने एक बकरा किवें खावां, कहना उन्होंने ये कह दो भी एक टाइम तो एक वड्डना, वो एक टाइम तो एक वड्डिया कर एक एक बुरकी आया करे सारे उहदे नाल की फर्क पैंदा, अगला वड्डिया कर एक बुरकी फिर जो 25-26 खा गए वो कहते तलाशी लैनी है थोड़े कोई बुढ़ा हैगा, तजर्बा है थोड़ा तजर्बा नहीं हो सकता है। सो मैं यही चाहना पंजाब हसदा वसदा रहे, पंजाब पहला भी गुरां दे नां ते वसदा सी वसदा रहूगा, साढ़े कोले गुरुआं पीरां शहीदां दा आशीर्वाद है, उन्हां दे पाए हुए पूरने हैं, असी लोकां दीआं धीआं भैणां दीआं इज्जतां बचाउण लई, असी गरीबां दे हक च खड़न लई, असी जुल्म दे खिलाफ लड़न लई सानू साढ़े गुरुआं ने सिक्ख्यावां दित्तियां ने। सो अपने काम नूं तनदेही ना करिओ, तिरंगला पंजाब दी पंजाब तुसीं हुण साढ़े परिवार दे विच शामिल हो गए, कोई दिक्कत होवे किसी किस्म दा कोई ड्यूटी दौरान कोई किसी किस्म दा सुझाव भी होवे वधिया सजैशन भी मिल जांदे कई बारी तां तुहाडे ऑफिसर साहिबान हैगे ने और ईजीली असैसेबल ने सारे, कोई ये नहीं हैगा कि कोई मिलदा नहीं अफसर जां अफसरां नूं मैं नहीं मिलदा, सो तुहाडे वर्गे आ इदां ही रहिंदे आ, कोई गैप नहीं असी क्रिएट करने दे, क्योंकि लोकां दा ते लीडरां दा जिहड़ा गैप है ना वो बहुत ज़्यादा गैप पै गया सीगा, इस करके लोग उन्होंने छड़ गए जिहड़े नहीं नज़र आते सीगे, तो लोगों के बीच रहो लोगों ने बनाए हैं जी, जो बनाए ही लोगों ने तो फिर तुम उन्होंने दूर क्यों होंगे हो, सो पब्लिक च रहो उन्होंने समस्यावान हल करो। अच्छा जो असी हूँ असी फैसला किया कि डिप्टी कमिश्नर जिहड़े ने हफ्ते 2 बारी पिंड जाएंगे अनाउंसमेंट करके रेडियो गुरुद्वारा साहब तो भी उत्थे 3-4 पिंडां दा कट करके उत्थे आधार कार्ड दी किसी दी समस्या है किसी दी रजिस्ट्री दा कोई कागज़ फसया होया किसी दा कोई प्रमाण पत्र है उत्थे बह के कर दो, कंप्यूटर तो अजकल ऑफिस तो एडा कर रह गया जी,
एक कंप्यूटर है नाल दो दे बायोमीट्रिक वाले अंगूठे वाले एडा कदा ऑफिस बन गया जी। तो नाल लै जाओ उत्थे सत्त च बह जाओ जाके लोगों का डीसी नहीं देखे आपदे कदे भी डीसी कहा जाता है। सो डिप्टी कमिश्नर जान ए डी सी जान उत्थे जाके काम कर देन। इहदा नाम रखिया सी सरकार तुहाडे द्वार तुहाडे पिंडां च भी आउणगे। असी पायलट कर ले कामयाब रहे ने हुण रैगूलर करांगे। जदों असी वोटां लैण जांदे आ उदां असी कोई बाहर कोठा होवे कोठियां च रहिंदा कोई जां डेरा कह दिंदे आ उह उत्थे भी जांदे आ जी ध्यान रखियो। तो जदों जित जांदे आ कहिंदे चंडीगढ़ आ जाओ तो चंडीगढ़ नूं पिंडां च कौण लै के जांदे असी चंडीगढ़ पिंडां च जाऊगा जी सरकार लोगों को जाऊगी लोगों नूं सरकार को आने की कोई लोड़ नहीं धक्के खाण जिहड़े जिन्नियां भी खजल खुआरियां ने सारियां असी बंद करांगे। तो तुहानूं अज्ज असी इत्थों नियुक्ति पत्र लैके भेजता तुसीं काम करो अपने जिथे भी जिहड़े भी होस्पिटल च जिहड़े भी अदारे च तुहाडी ड्यूटी लगेगी तनदेही नाल काम करो। उहदा उह काम दा जिहड़ा करन दा सुकून है उह भी बहुत उहदी कोई करंसी च वैल्यू नहीं हैगी कि मैं अज्ज काम करके आया दो तीन तुहाडे साइन करन नाल हो की पता किन्ने घरां दे चुल्हे बल जाण की पता किन्ने घर दी कबीलदारी ली ते आ जाए तुहाडे एक साइन करन नाल एक फाइल नूं अगे तोरन नाल की पता किहड़ा घर तुर पे। सो इस करके हर बार हर फाइल नूं सीरीयस लैके हर बार हर साइन नूं सीरीयस लैके करना। तो मैनूं उम्मीद है कि ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਫੋਰ ਯੋਰ ਫਿਊਚਰ। ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਮ ਸਮਝਣਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਆਹ ਮੇਰੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਾਰੇ ਉਦਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਏ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹਲ ਪੰਜਾਲੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਖਰੀ ਪਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਰਤਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕਿਰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕਰਤਾਪੁਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਨ ਦਾ ਲੜਨ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜਾਣਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਰ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਟਨਿਓਰ ਦੌਰਾਨ। ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰੋਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 70 ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 80 ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ 90 ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋਲ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਮਸ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸ਼ੋਲੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਾਇਲੋਗ ਸੀ ਨਾ ਇਤਨਾ ਸਨਾਟਾ ਕਿਉਂ ਆ ਬਾਈ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਐਡਾ ਕੁ ਰੋਲ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਰੋਲ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਡਾਇਲੋਗਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਮਾਹਰ ਜਾਂ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।